कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वरिष्ठ पत्रकारों संपादकों के साथ विचार विमर्श और संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने को लेकर निर्देशित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मीडिया का सहयोग एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त हो रहा है कि आगे भी प्राप्त होता रहेगा। CM योगी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में कोरोना से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में 314 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 168 जमात के जमाती हैं। चार दिनों से जमात की वजह से कोरोना मरीजों की संख्याओं में ज़्यादा उछाल आया है। स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रशासन मशीनरी सहयोग करते हुए कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपना सहयोग दे रही है। जमात व उनके संपर्क में आए हुए लोगों को क्वारंटाइन करते हुए जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। महामारी से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करें। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी KVijayan पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, पवन शाह, दीपक श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर राज श्रीवास्तव, राम गोपाल, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, DM हमें दो SP हमें दो। आइए सर। प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को और जन सामान्य को जोड़ने के लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निरंतर सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं और सर का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। कोविड को लड़ने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं, डेली हमारे मीडिया के साथियों से, प्रिंट मीडिया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो सोशल मीडिया में भी हैं, उन साथियों के माध्यम से निरंतर व्यापक रूप से प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं उनका प्रचार हमारा व्यापक रूप से हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी मार्गदर्शन और निर्देश होता है हमें देखने को मिला है कि पूर्ण सहयोग हम लोगों को मीडिया का मिला भी है। जनपद स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और जनपद स्तर पर लोगों की जागरूकता को और बढ़ाने के लिए ये आवश्यक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि वो स्वयं ही सीधे सभी लोगों से चर्चा करें और उनका जो है इनपुट भी, उनका जो फीडबैक है वो भी लें। अभी 3 दिन पहले सभी माननीय धर्मगुरुओं के साथ, सभी धर्मों के गुरुओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही सक्सेसफुल जो है बैठक हुई और उसी कड़ी में उसी दिन उन्होंने कहा कि मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो निरंतर 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में सर ने परसों आदेश दिया कि हम सभी जनपदों के सभी मीडिया के लोगों को जोड़े और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो संख्या भी सीमित करने की आवश्यकता थी। तो ऐसे में कुछ साथी हमारे आज हर जिले में हैं, हमारे कई जिलाधिकारियों ने कहा कि कुछ साथी छूट भी गए होंगे, लेकिन जितने भी हमारे मीडिया के साथीगण आए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से, DGP साहब की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की ओर से जो प्रमुख सचिव संजय जी हैं उनकी ओर से, चिकित्सा शिक्षा के हमारे प्रमुख सचिव साहब हैं, DG इंटेलिजेंस हैं, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं और हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और हमारे एडवाइजर साहब हैं, सबकी ओर से हम आप सभी लोगों का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कर रहे हैं। मीडिया से जुड़े हुए आप सभी का मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया एक महामारी की चपेट में है और भारत के अंदर भी इस वैश्विक महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
एक लड़ाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसमें शासन प्रशासन और आम जन की सहभागिता के साथ ही मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि जागरूकता पैदा करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। और इस वैश्विक महामारी का उपचार ही जागरूकता के माध्यम से हम लोगों को बचाव के बारे में जितना अधिक बता सकें उसके परिणाम भी उतने अच्छे आएंगे। और इस देश से मीडिया की जो एक सकारात्मक भूमिका अब तक देखने को मिली है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में आज तक 314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी, हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सबको भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कॉन्टेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें लेकर के उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं इनकी संख्या अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नजर है ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है। हमारे यहाँ जब कोरोना का पहला पेशेंट 3 मार्च को आया था तो उस समय प्रदेश के अंदर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 10 टेस्टिंग लैब प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और इन सभी टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम प्रतिदिन 1200 से 1500 के बीच में टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह व्यवस्था आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पाई है। जांच में जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। हमारे पास अभी तक जो प्रदेश के अंदर आइसोलेशन बेड हैं ये भी हम लोग 6000 से अधिक आइसोलेशन बेड अपने पास यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं। क्वारंटाइन बेड की संख्या भी लगभग 12000 के आसपास हमारे पास मौजूदा समय में है। लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल, हर जनपद में एक हॉस्पिटल को हम लोगों ने लेवल 1 का कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया है। लेवल 2 के 51 हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और लेवल 3 के भी 6 हॉस्पिटल हम लोग वर्तमान में तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हमारे 75 जनपद हैं इनमें से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक न एक पॉजिटिव
कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया है। ये हमारे प्रदेश की वर्तमान की स्थिति है। यद्यपि हम लोगों ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब दुनिया के अंदर पहले चाइना में फिर यूरोप के कई अन्य देशों में इस महामारी का होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर के सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए, इसके बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। उन 16 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए गए थे, उनके संदिग्ध थे, ऐसे 16 जनपदों को और फिर 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर चल रहा है। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन होगा तो इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे ही इन प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी उन तबकों के लिए अपनी कुछ योजनाएं घोषित भी की। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, 1,70,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज था और आजादी के बाद का इतना बड़ा पैकेज पहली बार देखने को मिला है कि जब सरकार ने एक साल इतने बड़े पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में कोविड-19 में जो भी स्वास्थ्य कर्मी, जो भी स्वच्छता के कर्मी या अन्य जो भी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन में उन लोगों के उपचार आदि की व्यवस्था करेंगे, उन सबको 50 लाख का बीमा कवर देने की व्यवस्था 30 जून तक के लिए व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था 50 लाख की व्यवस्था भारत सरकार ने तय की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि जो किसान सम्मान योजना है, इस योजना में प्रत्येक किसान को 3 महीने तक 2,000 रुपए देने की व्यवस्था की है। इस मामले में प्रदेश के अंदर 2,34,00,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और हम लोगों ने 2,34,00,000 किसानों का पूरा डाटा फीड किया है। इसमें से हमारे प्रदेश के अंदर काफी बड़ी संख्या में 1,57,00,000 किसानों को अब तक 2,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में मिल गया, शेष प्रचलन में है, उनके खाते में आ रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश के अंदर उन सभी महिला लाभार्थियों को जिनके जनधन योजना में अकाउंट खुले थे, 500 रुपए आगामी 3 महीने तक उन्हें प्राप्त होने हैं और प्रदेश के अंदर ऐसे अकाउंट धारित 3,26,00,000 हैं, उन सबके अकाउंट में 500 रुपए प्रति माह देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यह राशि उनके अकाउंट में जाने प्रारंभ हो गई है। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक निःशुल्क उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध तो होने हैं और ये प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,48,00,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और वर्तमान में ये योजना उन लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। संगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पाने वाले जो वर्कर हैं, संगठित क्षेत्र के 100 से कम वर्कर्स वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जो संख्या है, उनमें जितने भी वर्कर हैं उनके पीएफ अकाउंट में धनराशि उन्हें देने की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने स्तर पर की है और ये प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार से जो प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के तहत वरिष्ठ नागरिक जो यानी वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला यानी विधवा महिला पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के ऐसे लगभग 87,00,000 लोगों को इस सुविधा का लाभ देता है।
ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने पहले ही प्रदेश के अंदर भी और केंद्र सरकार भी इस व्यवस्था का लाभ उन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है और ये हर एक लाभार्थी के खाते में पेंशन की सुविधा भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। केंद्र सरकार ने उन सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें पर यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उस परिवार को उपलब्ध होगा। ये सरकार ने किया है, इसमें पहले उत्तर प्रदेश में 182 रुपए ये उपलब्ध होता था और अब हम लोगों ने इसको बढ़ा करके 202 रुपए करने की व्यवस्था की है और यह कार्य भी प्रदेश के अंदर 88,40,000 जो मनरेगा मजदूर हैं उनको ये सुविधा मिलने जा रही है। इसी प्रकार से संगठित क्षेत्र के कार्मिकों की संख्या ये जिनमें ईपीएफ से आच्छादित जो हैं उन सबको भी इस व्यवस्था से जोड़ने की कार्रवाई के लिए उनको लाभ देने के लिए भी ये 24 लाख जो लोग हैं इन लोगों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके रिवॉल्विंग फंड में भी बढ़ोतरी करने की व्यवस्था। ये कार्य जहां केंद्र सरकार ने किया है वहीं प्रदेश सरकार ने भी इनको सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करने के बारे में अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर भी ये देखते हुए कि लॉकडाउन की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है तो जो तबका इससे लाभ पूरी सबसे पहले इससे प्रभावित होगा उन लोगों के लिए कार्य होना चाहिए। तो इसमें प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के लिए जिनकी संख्या प्रदेश के अंदर 20 लाख से ऊपर थी, रजिस्टर्ड थे, उन लोगों को हम लोगों ने पहले चरण में भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ किया है और अब तक अधिकतर जो मजदूर हैं उन निर्माण श्रमिक हैं उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि हम लोग पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण जो तबका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वह है फेरी नीति से आच्छादित होने वाले, ठेला है, कुमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, पल्लेदार है, इन सभी लोगों को भी हम लोगों ने 1,000 रुपए प्रति यानी इनको उस पूरे प्रति लाभार्थी देने की भरण पोषण भत्ते के रूप में देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी उद्यम शिक्षण संस्थान या फिर चिकित्सालय या जो भी संस्थान बंद होते हैं और बंदी के कारण एक बड़ी संख्या में वर्क फोर्स ऐसी होती है कि जिन्हें वहां पर कोई भी मानदेय या मजदूरी या कोई भी वेतन नहीं मिला है, तो हम लोगों ने उन सभी से इस बारे में अपील की है कि वे लोग उन लोगों को बंदी के दौरान मानदेय या वेतन जरूर दें और ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक हम लोग प्रदेश के अंदर व्यवस्था करा रहे हैं। मनरेगा के प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूर थे इन लोगों के जितने भी मानदेय थे उन सबको हम लोगों ने एक साथ प्रदेश के अंदर उन सब का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में कर दिया है और सफलतापूर्वक अब तक उनके खाते में पैसा पहुंच भी चुका है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,65,31,000 ऐसे राशन कार्ड धारक परिवार हैं जिन परिवारों की कोई भी आय का दूसरा स्रोत नहीं, उन लोगों को हम लोगों ने 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल पहली अप्रैल से देना प्रारंभ कर दिया है और उसमें अधिक ये जितने भी परिवार हैं यानी इसमें लगभग 11 करोड़ से अधिक यूनिट इससे आच्छादित हुई है जिन्हें हम निःशुल्क ये सुविधा प्रदेश के अंदर अब तक उपलब्ध करवाए हैं। इसमें मनरेगा के कार्ड धारक भी हैं, निर्माण श्रमिक भी हैं, पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हैं, ये सभी लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं। इसके अलावा
वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, इससे आच्छादित 87 लाख लोगों को एडवांस में पेंशन हम लोग उनके अकाउंट में भेज चुके हैं। ये पहले ही उसके खाते में पैसा जा चुका है। हम लोगों ने एक अन्य कार्य के लिए भी इस बारे में प्रशासन को हर जनपद स्तर को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। इस बारे में सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग इस दौरान उत्तर प्रदेश में आए हैं या अन्य राज्यों में भी गए हैं, हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि जितने भी लोग आए होंगे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं होंगे, जो निराश्रित हैं, जिनके सर्वे स्थानीय स्तर पर भी करवा दिया जाए और उसकी पुष्टि करवाने के बाद इस बात के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी और BDO की टीम वहाँ के SDM ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ और नगरीय क्षेत्र में जो अधिशासी अधिकारी या मुख्य नगर अधिकारी हैं वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिलकर के जिस भी सूची पर जिन भी लोगों को प्रमाणित कर लें ये निराश्रित हैं, इन सभी लोगों को उन्हें ₹1,000 का भरण पोषण का भत्ता तत्काल देने की व्यवस्था और साथ ही साथ उन सभी लोगों को हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उन्हें खाद्यान्न भी उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी उनका तत्काल बनाने की व्यवस्था की जाए। ये प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक इन कार्यों की घोषणा की थी और ये कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमने अपनी 11 सदस्यीय टीम बनाई है, यानी 11 अलग अलग कार्यों को अलग अलग सीनियर अधिकारियों को हम लोगों ने सौंपा है। प्रदेश के अंदर जो 11 टीम बनी है, पहली टीम है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। इस टीम का काम था भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में संवाद बनाने और भारत सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले हैं इसके लिए बराबर उनके साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करना और किसी भी स्तर पर कोई मामला है तो उसके निस्तारण की कार्रवाई करने के साथ ही अन्य राज्यों से जुड़ी भी कोई समस्या है इसके लिए संवाद बनाने का कार्य, इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम तैयार करना है। घर में है वहीं रहें, ये यात्रा के दौरान उनका आना जाना खतरनाक हो सकता है, यह लगातार जो प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई और ये कमेटी का काम कि प्रदेश